नेपाळचे संरक्षण मंत्री आणि उपपंतप्रधान ईश्वर पोखरेल यांनी नव्या वादाला तोंड फोडलंय. लिपुलेख या सीमा भागातील क्षेत्राचा हा मुद्दा आहे. नेपाळच्या नकाशात लिपुलेख दाखवल्यानं भारतानं आक्षेप घेतला होता. काळी नदीच्या पूर्वेकडील क्षेत्रावरून भारत नेपाळ वाद सुरू झालाय. यावर भारतातील संरक्षण तज्ज्ञांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. पाहूयात. कि भारत ये एक बड़ा भाई जैसे है, नेपाल एक बहुत छोटा राष्ट्र है और हम हमेशा से नेपाल को बहुत सारी मदद करते आ रही हैं. हमने भूलना नहीं चाहिए कि जब नेपाल में भूकंप आया था तब सबसे पहले भारत से ही उन्हें राहत पहुंची थी. रातों रात हमने राहत पहुंचाई थी हमारी सरकार ने और हमने अपने डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स भी वहां पर भेजा था. ये जो सारी मदद हम नेपाल को करते हैं प्लस हमारी मिलिट्री की सहायता भी हम करते हैं काफी, तो हमारे मिलिट्री के रिलेशंस भी काफी अच्छे हैं. तो ऐसे जब हमारे ताल्लुकात हैं, ऐसे जब हमारे संबंध हैं, तब भारत को ही धमकी देना चाइना के बहकावे में आकर मुझे लगता है ये बचपना है. और नेपाल को ये समझना चाहिए कि अपने बड़े भाई से थोड़ा सा अदब से बात करना चाहिए और बड़े भाई के साथ पंगा लेना ये अच्छी बात नहीं है. ना इस प्रकार हमारे सीमा के ऊपर अग्रेसिव बिहेवियर हमेशा से रहता रहा है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा हो रहा है. और इस बार ऐसे हो रहा है कि स्ट्रेटेजिक प्लेसेस के ऊपर चाइना अपना अग्रेशन दिखा रहा है, अपना सिचुएशन एस्केलेट कर रहा है. उसके कारण हो सकते हैं, सबसे पहला बेसिक कारण तो यह है कि हमारी जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है. इसीलिए बार बार ये कन्फ्रंटेशन होता है हमारे सैनिकों के बीच और चाइना के सैनिकों के बीच कि आप हमारे सीमा के अंदर घुसाए हैं और आप हमारे सीमा के अंदर घुसाए. लेकिन इस बार कुछ 5,000 चीनी सैनिक ये सीमा के ऊपर आ गए हैं और भारत ने भी अपनी तादाद बढ़ा दी है. लद्दाख है, उत्तराखंड है, अरुणाचल है, सिक्किम है और यहां पर अलग अलग जगह के ऊपर दौलत बे गोल्डी है, डेमचौक है, यहां पर काफी सारा अग्रेशन हो रहा है. देखिए इसका और एक कारण भी यह है कि चाइना हाल ही के दिनों में जब से ये COVID-19 निकला है पूरी दुनिया में, तब से चाइना थोड़ा सा बैकफुट पे है क्योंकि सारे जो देश है वो चाइना के खिलाफ हैं. अमेरिका ने ऑलरेडी चाइना से अपने कंपनीज को विड्रॉ कर लिया है और इकोनॉमिक डाउनफॉल पे भी है चाइना. और बाकी जो सारे देश हैं उन्होंने भी चाइना के साथ एक थोड़ा सा बैर ले लिया है और इसीलिए शायद ये कोई डिविएशन की स्ट्रेटजी है चाइना की कि वहां से ध्यान हटाने के लिए, COVID-19 के इससे ध्यान हटाने के लिए चाइना ये शायद कर रहा होगा. में हम अग्रेशन कुछ और देख सकते हैं और इस चीज के लिए हमेशा डिप्लोमेटिक लेवल पर बहुत सारी बातचीत भी करनी पड़ेगी और मेरे ख्याल से दोनों हमारी जो सेना है वो बहुत तगड़ी है और हमें चिंता की कोई बात नहीं है. उसके उसको पार करके भारत की सीमा में 1.2 से लेकर के कोई 4 किलोमीटर से अधिक तक का इन्होंने इनग्रेस किया है और उसके एवज में सेना ने भी वहाँ पे अपने झंडे गाड़ दिए हैं और उनको ऐसा लगता है हम लोगों को कि जो हमारी रोड है दरबुक श्योक DBO और तकरीबन 2255 किलोमीटर की रोड है ये और इस किलो ये एक तरह से लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है. वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है DBO के आसपास उसको सस्टेन करने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए और चाइना की जो ये इंग्रेस है वो इस बात को दर्शाती है कि वो इस रोड के ऊपर अपना निगरानी रखना चाहते हैं और इस रोड को जो है आने वाले समय में इसको थ्रेट करना चाहते हैं. और इसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय सेना भी यहाँ से अपने कदम बिल्कुल नहीं हटाएगी और ये जो स्टैंड ऑफ है ये कहीं अधिक मजबूत और कहीं अधिक समय तक चलने वाला है. और अगर इस इशू को रिजॉल्व होना है तो कई प्रकार की स्किल्स जो हैं दोनों देशों को इस्तेमाल करनी मसला है जिसके ऊपर झगड़ा चल रहा है उसके ऊपर वो भारत के साथ लड़ाई तक भी हो सकती है. उनको ये नहीं समझ में आता है कि तकरीबन 90,000 पेंशनर्स हैं जिनके पेंशन का डिसबर्समेंट या पेंशन बिल जो भारत उनको देता है वही तकरीबन 20 मिलियन रुपीज़ पर डे के हिसाब से दिया जाता है और अभी भी उनके तकरीबन 40,000 ट्रूप्स जो हैं भारतीय सेना में कार्यरत हैं.
और इस तरह की डिपेंडेंसी नेपाल की है भारत के ऊपर। इसके अलावा और सारी बहुत सारी बातें हैं जिसके ऊपर वो दूर का ना सोच करके एक तीसरे देश के कहने में आ करके, चाइना के कहने में आ करके, वो इस तरह की बयानबाजी में उलझ गए हैं। भारत से जो लोग हैं नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके और कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है उसको वहाँ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ में ये भी कहना कि ये जो इन्फेक्शन कोविड-19 का जो भारत से नेपाल में भेजा जा रहा है वो बाकी कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। मुझे नहीं समझ में आता कि इस तरह की बयानबाजी करके नेपाल अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को क्यों तिलांजलि दे रहा है। आने वाले समय में उसको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा जो कि वो नहीं दे रहा है उसके ऊपर ध्यान, और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की उसकी बयानबाजी किसी बेसिस के ऊपर नहीं।